भाई कौन है जो शाहीन शाह आफरीदी को कंट्रोल कर रहा है और अब उनके दिमाग में यहाँ तक डाल दिया है कि भाई आप ऑलराउंडर हो। कोई तो है इसके पीछे जो उनको उल्टे सीधे मशवरे दे रहा है और अपनी बॉलिंग पर तवज्जा देने के बजाय वो अपनी बैटिंग पर तवज्जा देना शुरू हो चुके हैं। भाई ऑलराउंडर बनना कोई इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए आपको टेस्ट क्रिकेट में कोई सिचुएशन बेस्ड इनिंग खेलनी होती है और शाहीन शाह आफरीदी अभी तक इस तरह का कोई कारनामा सरंजाम नहीं दे चुके। मैं चाहूंगा कि आप भी हमारी इस कन्वर्सेशन में हिस्सेदार बने और हमें लिखें और बताएं कि आपके ख्याल में कौन है जो उनकी डोरें संभाले हुए है और उनको बर्बाद करने पर तुला हुआ है। आप भी हमें जरूर इसके बारे में बताइएगा कमेंट करके। शाहीन के दिमाग पर इस वक्त पूरी तरह से भूत सवार हो चुका है, वो किसी तरह से बैट्समैन बन जाए। हालांकि इनकी अपनी बॉलिंग काफी लिहाज से मुतासिर हो चुकी है। अगर आप नोट करेंगे कि पिछले चंद सालों से इनकी बॉलिंग में वो दमखम नहीं रहा और जिस तरह से फ्रीक्वेंटली ये छक्के खा रहे हैं आम से बैटर से, उसके बाद तो हर बैट्समैन के दिलो दिमाग से इनका खौफ निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह निकलेगा जैसे आपको याद होगा कि इरफान खान पठान जो है वो अपनी स्विंग के लिए बहुत मशहूर थे, मगर जब उनको दो छक्के पड़े और उसके बाद जो है वो अपनी स्विंग तक भूल गए। ये बड़े मशहूर दो छक्के जो है इनको शाहिद खान अफरीदी ने मारे थे और उसके बाद इनकी लाइन लेंथ और स्विंग जो है वो काफी देर तक वापस नहीं आ सकी थी। और यही कुछ जो है अब शाहीन शाह आफरीदी के साथ हो सकता है। वो बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है, मगर अभी इनकी उम्र है सीखने की। पहले इनको कोशिशें करके कप्तान बनवाया गया और अब इनके दिमाग में ये बात डाली जा रही है कि आप अपनी बैटिंग पर तवज्जा दें और बैटिंग और बॉलिंग की बदौलत आप तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की कप्तानी संभाल सकते हैं, मगर ये बहुत ही गलत हो रहा है। जो भी इसके पीछे है उसको चाहिए कि शाहीन के दिमाग में सिर्फ ये बात डालें कि वो अपनी बॉलिंग पर तवज्जा दें और इनको सीखना होगा कि अपनी लाइन और लेंथ को कैसे एडजस्ट करते हैं मुख्तलिफ विकेटों के लिहाज से, ना कि आप बैटिंग पे जो है वो ऊपर वाले नंबरों पर आकर बैटिंग करना शुरू कर दें और ऐसे प्लेयर्स को जो है वो अपने बाद में भेजें जिसकी फॉर्म जो है वो जबरदस्त चल रही थी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस के अंदर। उनकी हिटिंग की भी मिसालें जो है वो दी जा रही थी। जी हाँ, आमिर जमाल से पहले ये बैटिंग करने पहुंच गए जो T20 अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ है, और हालांकि उस सिचुएशन पर आमिर जमाल को ही बैटिंग करने आना चाहिए था, मगर कोई तो है जो इनको इस तरह के उल्टे सीधे मशवरे देकर इस तरह के ब्लंडर्स उनसे करवा रहा है। तो शाहीन शाह आफरीदी ने आकर ऊपर बैटिंग की मगर कोई भी खातर का कारकर्दगी नहीं दिखा सके और इनकी कप्तानी भी अब जो है वो थोड़ी सी एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, आप जो लीग्स के अंदर कप्तानी करते हैं वो एक डिफरेंट सिनेरियो होता है। आप लाहौर कलंदर के कप्तान हैं, वो एक डिफरेंट लेवल है, ये इंटरनेशनल लेवल है जिसका प्रेशर ही कुछ और होता है और आपको बड़ी समझदारी के साथ अपनी मूव्स करनी होती है स्पेशली T20 में, क्योंकि वक्त बहुत कम होता है और मुकाबला बहुत ही सख्त होता है। इस तरह के दो चार ब्लंडर्स इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में किए हैं जो कि नोट किए गए हैं। अब देखते हैं कि आने वाले मैचेस में वो अपनी कारकर्दगी एज ए कप्तान कैसे दिखाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि अगर आपको ऑलराउंडर बनना ही है तो आपको पहले देखना होगा कि टेस्ट मैचेस में आपकी कारकर्दगी कैसी है। आप अगर देखें तो शाहीन शाह आफरीदी की टेस्ट मैचेस में बैटिंग एवरेज सिर्फ 6 है और उसके बाद ODI में उनकी बैटिंग एवरेज 16 और T20 में भी सिर्फ 6 है, तो किस लिहाज से आप अपने आप को ऑलराउंडर समझना शुरू हो चुके हैं। दो चार छक्के मारने से आप ऑलराउंडर नहीं बन सकते। ठीक है, आप नेट्स में जो है वो छक्के मारते होंगे, मगर ये नेट्स नहीं है, ये इंटरनेशनल गेम है जिस मैच के अंदर आपको सिचुएशन बेस्ड बैटिंग करनी होती है और जरूरी नहीं कि आपकी हर हिट जो है वो ग्राउंड से बाहर ही जाए। इनको चाहिए कि दुनिया के गुजरे हुए अजीम ऑलराउंडर्स के ऊपर अपनी स्टडी करें। देखें कि इमरान खान, रिचर्ड हेडली, कपिल देव और दूसरे अजीम ऑलराउंडर्स जो हैं वो कब जाकर अपनी बैटिंग पर तवज्जा देना शुरू हुए। जब उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन आना शुरू हुआ तो उन्होंने समझा कि इनको जरूरत है कि अब अपनी बैटिंग को भी इम्प्रूव किया जाए। यही सिचुएशन जो है वो शाहीन शाह आफरीदी के पास भी आएगी जब एक वक्त आएगा। फिलहाल इन्हें अपनी बॉलिंग में बहुत कुछ सीखना है, बैटिंग में इनको अभी कुछ सीखने की जरूरत नहीं और ना ही उस पर तवज्जा देने की इतनी जरूरत है, क्योंकि वो एज ए बॉलर टीम में आए थे और उनको चाहिए अपनी बॉलिंग पर पहले फोकस करें। इनकी बॉलिंग का खौफ अगर बैट्समैनों के दिमाग से निकल गया तो इनको अपनी जगह बचानी भी मुश्किल हो जाएगी टीम के अंदर। अभी फिलहाल इनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जो कि इनकी कप्तानी का डाला जा चुका है या डलवाया जा चुका है, वो भी एक बहुत मुश्किल मामला है जिसके ऊपर इनको तवज्जा देने की बहुत सख्त जरूरत है। मुझे तो लगता है कि इनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी की जा रही है इनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ कप्तानी का डालकर, और इनको चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉलिंग पर तवज्जा रखते और अपनी बॉलिंग को इम्प्रूव करते, मगर
आने वाले वक्तों में अब हम देखेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी दूसरे टैलेंट की तरह जाया होने जा रहे हैं या ये अपने आप को संभाल लेंगे। आप लोग भी हमारी इस कन्वर्सेशन में जरूर हमें बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो कप्तानी का एक्स्ट्रा बर्डन डालने के बाद अब उनके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी बैटिंग पर तवज्जो दें और बैटिंग ऊपर वाले नंबरों पर आकर करें, इनके लिए बहुत नुकसानदार साबित हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इस वक्त थोड़े से अपनी बॉलिंग में डिस्टर्ब है। उनको ये बात सीखनी होगी अपने सीनियर से कि आप जो है अपनी लेंथ को फौरी तौर पर कैसे एडजस्ट करते हैं जो ही आप विकेट को रीड कर लेते हैं या आपसे स्विंग नहीं हो पा रही होती। मगर ऐसा लग रहा है कि शाहीन इस बात में कम इंटरेस्टेड हैं और ज्यादा इंटरेस्ट इनका अब कप्तानी और बैटिंग के अंदर है। जरूर कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा ताकि इस तरह के बहुत से और एनालिसिस आपको एपिक स्पोर्ट्स से शेयर करते रहे।